Hello friends, this is our channel LNC Pro and welcome to the channel. I am Ashish Pitti and today I will discuss chapter number 6, that is dividend policy, in paper number 8, that is financial and strategic management in group 2 of CS Executive New Syllabus. Okay, so let's start. This chapter talks about dividend policy and dividend model. What is a dividend model? Dividend model is a tool which is used to calculate how much dividend we should pay to our shareholders. Simple शब्दों में कहें तो dividend model एक ऐसा tool है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कंपनियों को dividend ज़्यादा pay करना चाहिए या कम pay करना चाहिए या सारा का सारा pay करना चाहिए या बिल्कुल ही पे नहीं करना चाहिए. ये सब डिसीजन मेकिंग के लिए काम आने का टूल है. ओके, कैसे काम में आता है ये टूल? सपोज़ कीजिए कंपनी 5% डिविडेंड पे करती है तो उसका शेयर प्राइस हो जाता है 40 रुपीज़. यही कंपनी अगर 5% की जगह 15% डिविडेंड पे करती है तो उसका शेयर प्राइस हो जाता है 60 रुपीज़. और यही कंपनी अगर 25% डिविडेंड पे करती है तो इसका शेयर प्राइस हो जाता है 80 रुपीज़. अब आप बताइए इस कंपनी को डिविडेंड कितना परसेंट देना चाहिए? ऑब्वियसली बात है इस कंपनी को डिविडेंड 25% देना चाहिए बिकॉज इट इज़ मेकिंग इट्स प्राइस हाईएस्ट. ओके, सो आपने ये डिसीजन कैसे लिया? आपने डिसीजन इस बेसिस पे लिया कि डिफरेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पे आपके शेयर की प्राइस क्या होती है, उसके बेसिस पे आपने डिविडेंड पे आउट का डिसीजन लिया. सो डिफरेंट डिविडेंड मॉडल्स इसी बात को प्रदर्शित करते हैं कि आपकी किस डिविडेंड पे आउट रेशियो पे आपकी शेयर का प्राइस क्या रहेगा. ओके, इस चैप्टर में आपके 3 तरह के मॉडल कवर्स है. कौन कौन से मॉडल्स कवर है? सारे के सारे फॉरेन लोगों के मॉडल्स कवर है. एक है वॉल्टर सर, एक है गॉर्डन सर और एक है मोदी गिलानी मिल्लर सर. कमाल है, एक भी इंडियन नहीं है, नो प्रॉब्लम. एक और मॉडल था जो कि था ग्राहम डॉड सर का, लेकिन एक्चुअली वो आपके सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में नहीं कवर है तो आपको इस मॉडल की चिंता नहीं होनी चाहिए. ओके, सो ये 3 मॉडल डिफरेंट लॉजिक देते हैं, डिफरेंट फार्मूला देते हैं शेयर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए. ये सब के सब मॉडल्स डिफरेंट एजम्पशंस पर बेसिस है. हम स्टार्ट करेंगे वॉल्टर मॉडल से, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ. कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है? एक तो बेसिक कंसेप्ट है आपका अर्निंग पर शेयर का. हो सकता है ये आपने 12th में पढ़ रखा हो, लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ. मान लीजिए आपके नेट प्रॉफिट है 50 करोड़ का, प्रिफ्रेंस शेयर का डिविडेंड है 10 करोड़ का. ओके, इक्विटी डिविडेंड है आपका मान लीजिए 10 करोड़ का और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ शेयर 5 करोड़. ओके, ये सब के सब करोड़ में बता रहा हूँ मैं. ओके, इसके अलावा आपका फेस वैल्यू पर शेयर है 10 रुपीज़. ओके, तो अब आपको बताना है इसका EPS कितना है, इसका DPS कितना है, इसका RPS कितना है, इसका डिविडेंड रेट कितना है. ओके, इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है. ओके, इसके अलावा ये 5 चीज़ें ही आपको बतानी है. तो एक अर्निंग पर शेयर आपका कितना आएगा, अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर्स. अर्निंग्स है आपकी 40 करोड़. कैसे हुई 40 करोड़? 90 करोड़ माइनस 10 करोड़, 40 करोड़. यहाँ पे अर्निंग लेंगे वो इक्विटी शेयर्स के लिए लेंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है आपके 5. सो 40 करोड़ डिवाइड बाय 5, अर्निंग पर शेयर इज 8 रुपीज़ पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर, इक्विटी डिविडेंड है आपका 10 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स है 5, तो आपका डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपीज़. रिटेंशन अर्निंग पर शेयर,
आपका इक्विटी डिविडेंड है 10 करोड़, नेट प्रॉफिट था 50 करोड़ माइनस प्रीफ्रेंस डिविडेंड 10 करोड़ माइनस इक्विटी डिविडेंड 10 करोड़, सो इट इज कमिंग 30 करोड़। 30 करोड़ डिवाइड बाई 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज कमिंग 6 रुपीज पर शेयर। अल्टरनेटिवली यू कैन डिडक्ट डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम अर्निंग पर शेयर, यू विल गेट इजीली 6 रुपीज पर शेयर। देन व्हाट इज योर डिविडेंड रेट? योर डिविडेंड रेट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई फेस वैल्यू पर शेयर, सो डिविडेंड रेट इज हियर 20%, बिकॉज योर डिविडेंड पर शेयर इज 2 रुपीज, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 10 करोड़ यू हैव पेड आउट ऑफ 40 करोड़, सो दैट इज कमिंग 25%। ओके, सो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज बेसिक फॉर्मूलाज, लाइक हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर, हाउ टू कैलकुलेट रिटेंशन अर्निंग्स पर शेयर, हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड रेट। आफ्टर दिस टू मोर यू कैन से कंसेप्ट्स आर देयर, वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वन इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आई नीड नॉट टू टेल बिकॉज इट इज सिंपल रिटर्न आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देर इज समथिंग लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सपोज यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 10 करोड़ रुपीज एट द रेट ऑफ 10%, इग्नोर द टैक्सेशन, वाट इज योर कॉस्टिंग फॉर दैट लोन? यू विल से 10%। इंस्टेड ऑफ डेब्ट यू हैव टेकन दैट 10 करोड़ फ्रॉम वन ऑफ द इन्वेस्टर, ही हैज इन्वेस्टेड इन योर इक्विटी, सो ही विल बी एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ऑफ 8%, सो दैट इज ओनली एक्सपेक्टेशन, वी मे पे वी मे नॉट पे, बट सिंस इट इज एक्सपेक्टेशन सो वी हैव कैन से दैट वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ 8%। वाई वी आर अंडर ऑब्लिगेशन? बिकॉज इफ वी डोंट पे दिस 8% टू दैट इन्वेस्टर और टू दैट शेयर होल्डर, सो टुमारो इट माइट हैपन दैट ही विल टेक हिज इन्वेस्टमेंट आउट, ही मे इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी, सो टू रिटेन दैट शेयर होल्डर और टू रिटेन दैट इन्वेस्टमेंट वी नीड टू फुलफिल मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। ओके, एंड नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑल्दो देर इज अ फुल चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 or 4 रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दैट वी विल स्टडी द फुल डिटेल्स ऑफ इट, सो करेंटली आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट, दैट विल बी कवर्ड इन दैट चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। बट टू वेज आई शुड टेल इन दिस चैप्टर बिकॉज दे विल बी यूज more frequently, although to calculate cost of equity there are more than 2 ways, there are 4 ways or 5 ways by which you can calculate cost of equity, but most two important method is, one is CAPM method, that is capital asset pricing model, and one is you can say ratio method. There is no name of such, that ratio is 1/ PE ratio, so you will get, you have to divide PE ratio in 1, so you will get the cost of equity in percentage. CAPM method is one formula is there, risk free return plus risk premium into beta. What does it mean? I will tell how to calculate that CAPM. Okay, suppose if you invest in bank deposit you get 4%. Okay, if you invest in some company in which there is no excess risk, no lower risk, like risk is balanced, so you will get 10%. Okay, suppose only. Okay, so if you invest in a company which is having higher risk, so you want more return. If you are investing in a company which is having lower risk, so you will expect lower returns from that company. If you invest
In a company which has balanced risk, you will expect exact 10% of the return. Okay, so it is only this CAPM method will tell only that method what is the expectation of that investor in different situation. So we will take 4% risk free, because it is always minimum risk free return. So if he invest in any company or bank deposit or high risk company, he will want minimum risk free return to be covered. Then he will see what is the risk premium. If there is risk, total balanced risk, so he will get only risk premium. If it is having higher risk, so he will get more reward for that. Suppose the company is having beta of 1.2 times beta means like company is having 20% excess risk than normal company. Okay, so risk premium in this situation is 6%. 6% how? Because if risk free return is 4%, bank deposit or government deposit return is 4%, and generally a balanced company, risk balanced company, is earning 10%. So the risk premium for taking risk, balanced risk, is 6%. So you can write that 4% plus risk premium is 6%. If you take risk, so you will get 6% return extra. And if you how much risk you take, if you take risk 0, then you can multiply it by 0. If you take balanced risk, so you will multiply by 1. If you take higher risk, say 1.2 times, so you will take a higher risk premium. So that way you can calculate it. So it will come around 11.2%. So that's how cost of equity will be calculated. Okay, now we come to our chapter, Walter model. What did Walter model says? Okay, Walter model said that very easy thing. He said that you are not required to do anything. You have to just add, subtract, multiply and divide, and you will get the share price of the company. Like what he did said, he said that take dividend per share and then take retention earning per share. Okay, dividend per share you take directly, but retention per earning you take on a logical basis. Like multiply that retention per earning from return rate and divide that from cost of equity. Okay, and then add the both, and then overall you divide it by cost of equity, and you will get the share price of the company. Okay, so let's take one example. Suppose a company is having earnings of you can say 100 crores, number of shares are 10 crore. Okay, so earning per share of this company is rupees 10. Okay, suppose this company gives dividend of you can say 4 crore and this company retains 6 crore as dividend. So your dividend per share is, you can say it is 40 crore and 60 crore, because it is earning is there, earnings, number of shares. So dividend per share will come 4 rupees per share, and retention earning per share is it will come 6 rupees per share. And suppose the return on investment is 20% and cost of equity is 10%. So you have to calculate the share price. Okay, one thing is that. Okay, second thing, you have to calculate best price. Okay, and third, you have to calculate worst
price. So how would you calculate? Simple, took that formula. In that, take 4 rupees dividend per share and took retention earning per share. Okay, you have to take dividend per share directly, and to retain earning per share you have to apply one logic. Multiply it by return rate 20% and divide it by cost of equity, that is 10%, and then add both the terms and divide overall by cost of equity, which you can see 10%. So if you add it, multiply it, divide, you will get easily the share price of the company. So in this situation, the share price is coming 160 rupees. Okay. So it, this 160 rupees is the market value of the share when you pay the dividend. It the in the pattern of rupees 4 per share. Okay, but should he pay the dividend in as 4 rupees per share, or should he pay 3 rupees dividend per share, or should he pay 5 rupees per share dividend? So that's also we can check. Okay, so one more concept is there in that Walter model. He said that whenever your retention rate is higher than cost of equity, don't pay anything to your shareholders. We will pay on a later stage, and because we are earning higher, so let me earn first and then I will pay you. Okay, second thing, if the return rate is lower than cost of equity, then don't ask money from the shareholders. You are under obligation not to invest, or because if you are investing, then your return rate is already lower. So if shareholders are investing in you and their expectation are high, they are expecting 8% return and you are giving them 6% return, so it would not be fair. So dividend payout ratio would be 100%. So that whatever you earn, don't return, just give the money of shareholders to back to them, so that they can invest somewhere else and meet their minimum requirement. If return rate is higher, so don't pay anything. Okay, and if return rate and K is equal, so you need not to bother about. You can pay whatever amount you want. It is all at your discretion. Okay. Now come to one practical question, or you want to proceed ahead. That example we can continue. In that example, it was coming like dividend per share was 4 rupees per share and retention per earning was 6 rupees per share. Return rate was 20% and cost of equity was 10%. Okay, so it is clear that return rate is higher than cost of equity, so dividend payout ratio should be 0%. Okay, how would you calculate now it in this share price? Very easy. Again, 4 dividend payout ratio plus retention per earning 6 into R 20% divided by 10%. Okay, it was existing situation. Divided by 10%, it was coming 11.2. It was existing situation. Now, if you don't pay anything, so dividend per share will be, dividend share per will be 0, and retention earning per share will be, it will be fully 10. So again, it will come 0 plus 10 into 20% divided by 10%. So it will be approximately 200 rupees. Oh sorry, in the last this example it was coming around 160. Okay, so you not to worry about, you can calculate, and now it's coming 200.
So you can directly see that at 0% of payout ratio, your share price is the highest. Okay, so this was the total you can say Walter model. Okay, so I have some of the questions which I want to discuss with you. Okay, so that practical questions I will discuss in the lecture number 3. It is just the summary of this topic. I don't want to cover all those models, remaining two models, in the same class, because first I think I should cover, and you should also practice some of the questions, practical questions for this model, and then we can go to the next model. Okay, if you like this video, you can subscribe our channel LNC Pro, and please comment below if you have any type or any kind of query. Till the next video, bye bye.